पूरे प्रदेश की भाजपा चुनौतियां कराएंगी मेरी मनोतियां कि आज आइए जल्दी। जब 28 सीटों पर चुनाव हुए तो हम 22 पे जीते और मैंने कस के चुनाव प्रचार किया। और जब आशीर्वाद यात्रा निकली मुझे फिर भी बुलाया क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम सरकार बना लेंगे। हाँ, चुनाव प्रचार में बुलाएंगे और मैं चली भी जाऊंगी। मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी, मैं भाजपा के लिए ही वोट मांगूंगी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज की सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे भतीजे हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं। तो उनको एक ध्यान तो रखना था, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी चाहिए थी। आप मैं इन बातों को क्यों दबा के रखूँ अपने अंदर कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी नहीं है? मैं इस बात को अपने मन के अंदर दबा के क्यों रखूँ कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी नहीं है? मुझे मैंने ये बातें पहले अकेले में चुपचाप कही हूँ, जब नहीं हो पाई तब मैंने खुलेआम बोलना शुरू किया है। शराब का भी यही हुआ था, एक साल तक मैं चुपचाप अकेले में बात करती थी।